नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लानेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप किसी ऐसी कंपनी में जाते हैं जहां पर पहले मैनुअल अकाउंटिंग रखी जाती थी, यानी जहां पर हाथ से अकाउंटिंग रखते थे और उसके बाद आपको कहा जाता है कि अब हमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग रखनी है, तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से नई कंपनी बनाकर टैली में शुरुआत करेंगे, सारे लेजर्स किस तरह से क्रिएट होंगे, उनके ओपनिंग बैलेंसेस हम किस तरह से डालेंगे, आज की वीडियो में ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। यदि आप बिगनर हैं, अकाउंटिंग लर्न करने की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कई बार स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, जब हम किसी कंपनी में जॉब करने जाएंगे तो वहाँ तो लेजर्स हमें पहले से बने हुए मिलेंगे, केवल हमें तो एंट्रीज ही पोस्ट करनी होंगी। तो दोस्तों, हो सकता है कि जहाँ आपकी जॉब लग रही है वहाँ पर पहले से टैली पर ही काम हो रहा हो, तो वहाँ लेजर्स पहले से बने होंगे और आपको केवल एंट्रीज ही पोस्ट करनी होगी। लेकिन हो सकता है यदि आप किसी ऐसी कंपनी में जा रहे हैं जहाँ पर पहले मैनुअल अकाउंटिंग रखते थे और अब आपको सारा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग यानी किसी सॉफ्टवेयर में काम करना है, तो उस सिचुएशन में हम किस तरह से क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे और उसमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस कंपनी के मैनेजमेंट से प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर के रिकॉर्ड्स लेने होंगे, जैसे आपको पिछले साल की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर ट्रायल बैलेंस मैनेजमेंट से मांगना होगा। ये सारे रिकॉर्ड जब आपके पास आ जाएंगे तो आप आसानी से कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की शुरुआत टैली के माध्यम से कर पाएंगे। दोस्तों, उसके लिए हमें सबसे पहले एक नई कंपनी क्रिएट करनी है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जब आप नई कंपनी क्रिएट करेंगे तो नई कंपनी में, जैसे मैंने यहाँ पर एक नई कंपनी क्रिएट कर रखी है, हमें जो फाइनेंशियल ईयर यूज़ करना है वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यूज़ करना है। जैसे अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 1 अप्रैल 2019 यदि हमें करंट फाइनेंशियल ईयर से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग रखनी है तो पिछला फाइनेंशियल ईयर 2018-19 वाला, उस फाइनेंशियल ईयर से हमें कंपनी क्रिएट करनी होगी। तो फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 आपको यहाँ डालना है और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम वो भी 1 अप्रैल 2018 ही रखना है। कई लोग यहाँ पर बाय मिस्टेक फाइनेंशियल ईयर बिगिन कर देते हैं 1 अप्रैल से और नीचे बुक्स बिगनिंग फ्रॉम कर देते हैं 31 मार्च। दोस्तों, ऐसा नहीं करना है, ये दोनों ही डेट आपको सेम रखनी है और इस तरह से कंपनी क्रिएट कर लेनी है। और उसके बाद जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें देखते हुए हम ओपनिंग बैलेंसेस अपने लेजर्स में डालेंगे। इट मीन्स हमें लेजर्स क्रिएट करने होंगे। मैं आपको पहले एक ट्रायल बैलेंस दिखा देता हूँ, उसके आधार पर हम किस तरह से ओपनिंग बैलेंस डालेंगे ये जानकारी देता हूँ। दोस्तों, ये हमारे प्रीवियस ईयर का ट्रायल बैलेंस है जिसमें सारे लेजर्स के बैलेंसेस दिए गए हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने तैयार किया है। जब हम सारे लेजर्स टैली में ओपन कर लेंगे, उनके बैलेंसेस डाल देंगे, तो हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा उसमें जीपी 22,000, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नेट प्रॉफिट 16,050 और बैलेंस शीट की टोटल 1,68,100 रुपीज़ आएगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ओपनिंग स्टॉक भी दिया गया है, तो हम इसी वीडियो में स्टॉक आइटम क्रिएट करते हुए इन्वेंट्री भी मैनेज करेंगे और उनका बैलेंस भी इनपुट करना सीखेंगे। जब हम सारे लेजर्स ओपन करके उनके बैलेंसेस को टैली में इनपुट करेंगे तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जिसकी अकाउंटिंग हमें मेंटेन करनी है, जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के लिए, इन सारे लेजर्स का ओपनिंग हमें वहाँ पर दिखाई देगा, तो हम फाइनेंशियल ईयर चेंज कर उसे भी एक्सेस कर पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। लेजर्स क्रिएट करने के लिए दोस्तों हमें गेटवे ऑफ टैली में खड़े रहते हुए अकाउंट्स इन्फो में जाना है। यहाँ आपको लेजर्स दिखाई देगा और यहाँ पर हम दो प्रकार से लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। एक आपको मिल रहा है सिंगल लेजर क्रिएट करने का ऑप्शन और दूसरा मिल रहा है मल्टीपल लेजर्स क्रिएट करने का ऑप्शन। सिंगल लेजर, जैसा कि आपको पता है, आप एक एक लेजर यहाँ ओपन करेंगे, ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और उनका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर इनपुट करेंगे। और यदि लेजर्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप मल्टीपल लेजर्स का यूज़ करते हुए एक साथ एक से ज़्यादा लेजर्स एक ही बार में क्रिएट कर पाएंगे और उनका ओपनिंग बैलेंस भी यहाँ पर हम साथ में ही डाल पाएंगे। तो अभी मैं मल्टीपल लेजर्स का यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर ऊपर लिखा हुआ है अंडर ग्रुप, तो आप यहाँ पर ऑल आइटम ले लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको फिक्स असेट के लेजर्स एक साथ क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए फिक्स असेट और उसके जितने भी लेजर्स हैं उन्हें एक साथ यहाँ पर क्रिएट करते हुए आप ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। लेकिन अभी मैं एक साथ सभी लेजर्स अलग अलग ग्रुप में ओपन करने वाला हूं, इसलिए ऑल आइटम मैं यहां पर यूज़ करूंगा। और नेम ऑफ लेजर, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सेल में दिखाया था, यहां से आप सबसे पहले कैपिटल का लेजर हम क्रिएट करेंगे, तो यहां पर नेम ऑफ लेजर में कैपिटल और उसका
ग्रुप हम सेलेक्ट करेंगे कैपिटल और ओपनिंग बैलेंस हमें डालना है जो कि है 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ यहाँ मैंने इनपुट कर लिया। दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो भी आप लेजर क्रिएट करें उसका बैलेंस CR होगा या DR होगा, वो आपको ध्यान देना है। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप एंट्री सोचिएगा जैसे कैश अकाउंट DR टू कैपिटल, इट मीन्स कैपिटल जो है वो ऑलवेज CR होता है। तो यहाँ पर आपको CR दिखाई दे रहा है, इट मीन्स आप सही काम कर रहे हैं और आपने ये बैलेंस सही इनपुट किया है। नेक्स्ट लेजर है हमारा बैंक अकाउंट, तो उसके लिए फिर से हम एक्सेल में चलते हैं और बैंक अकाउंट का बैलेंस यहाँ से देख लेते हैं, 20,600 रुपये। अब दोस्तों आप चाहें तो यहाँ से ये अमाउंट कॉपी भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी से एक्सेल में आप कॉपी कर लीजिएगा और वहाँ चलकर आप टैली के अंदर बैंक अकाउंट लेजर बनाइएगा और उसके बाद इसका ग्रुप बैंक अकाउंट लेते हुए ओपनिंग बैलेंस के अमाउंट को पेस्ट भी कर सकते हैं। टैली में पेस्ट करने के लिए आपको कंट्रोल अल्टर और वी प्रेस करना होगा। अब चूंकि ये असेट का पार्ट होता है इसलिए इसका बैलेंस DR होगा। अब इसी तरह से मुझे सारे लेजर्स के बैलेंसेज यहाँ इनपुट करने हैं, मैं जल्दी से आपके लिए ये सारे बैलेंस यहाँ इनपुट कर लेता हूँ। फर्नीचर फिक्स असेट, उसका बैलेंस था 7,500। दोस्तों जब हम सैंडी डेटर्स और क्रेडिटर्स के बैलेंसेस को इनपुट करेंगे तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं डेटर का बैलेंस डालूंगा टैली मुझसे पूछेगा कि 31 मार्च 2018 को जो बैलेंस है उसका रेफरेंस बताइए। तो जैसा कि आपको पता है मेथड ऑफ बिल एडजस्टमेंट, जिसमें हम लोग मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन को एक्टिवेट करते हैं और आगे चलकर न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस इस तरह के ऑप्शन आते हैं जहां हमको बैलेंसेस मेंटेन करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहां आप प्रीवियस ईयर के लिए कोई भी रेफरेंस डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ ले लिया ओल्ड बैलेंस FY 18-19, इस तरह से कोई रेफरेंस डाल दिया ताकि हमें जब एडजस्टमेंट हम करेंगे तो आसानी होगी। उसी तरह से हम जब क्रेडिटर का लेजर बनाएंगे तो उसके लिए भी सेम टैली हमसे पूछेगा और उसी तरह से मैं रेफरेंस यहाँ पर इनपुट करने वाला हूँ, 55,050 रुपीज़। दोस्तों जब आप ड्राइंग का लेजर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर बैलेंस डालेंगे तो टैली आपको ड्राइंग का बैलेंस CR शो करेगा। तो आप ध्यान रखिएगा ड्राइंग का बैलेंस ऑलवेज DR होता है और आप DR इनपुट करते हुए इनको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद एक बार आप सिंगल लेजर्स ऑप्शन में जाते हुए अल्टर प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर जब आप किसी भी लेजर को ओपन करेंगे तो साइड में आपको एक विंडो दिखाई दे रही है। इस विंडो में डिफरेंस अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है 30,500 CR, इट मीन्स हमारे DR बैलेंसेज और CR बैलेंसेज में अभी फ़र्क है, डिफरेंस है। ये डिफरेंस दोस्तों अभी नहीं होना चाहिए, तो या तो हम कोई लेजर बनाना बाय मिस्टेक भूल गए हैं या फिर किसी लेजर में हमने बैलेंस गलत इनपुट कर दिया है या फिर हमने DR CR का ध्यान नहीं रखा है। यदि आप इसी कंडीशन को लेते हुए अपनी बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में आपको डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस ऐसा मैसेज दिखाई देगा जो कि नहीं दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक लेजर क्रिएट नहीं किया है कमीशन रिसीव्ड का, तो वो मैं लेजर यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, कमीशन रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम। चूँकि ये हमारी इनकम है इसलिए इसका जो बैलेंस होगा वो बैलेंस CR बैलेंस होगा और यहाँ पर कमीशन रिसीव का अमाउंट है 9,500। अब दोस्तों ऐसा करने के बाद भी हमारे यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 40,000 का, क्योंकि मुझे स्टॉक का बैलेंस भी यहाँ पर इनपुट करना है, इन्वेंट्री क्रिएट करनी है और इन्वेंट्री यहाँ पर 40,000 की है। तो जैसे मैं वो इनपुट करूँगा ऑटोमेटिकली ये डिफरेंस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और हमारा बैलेंस शीट ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस तैयार हो जाएगा। आइए अब इन्वेंट्री तैयार करके देख लेते हैं। इन्वेंट्री के लिए हमें चलना है इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक ग्रुप। ये जो बिजनेस मैंने मान लीजिए वो TV का बिजनेस कर रहा है, तो यहाँ पर TV के नाम से मैं एक स्टॉक ग्रुप बना रहा हूँ और शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडिड, इस ऑप्शन को यस करते हुए इस ग्रुप को मैंने क्रिएट कर लिया है और अब मैं दो स्टॉक आइटम बना रहा हूँ। पहला बना रहा हूँ LG TV, इसे TV ग्रुप में हमें रखना है और यूनिट्स क्रिएट करनी है। फर्स्ट टाइम आपको अल्टर सी के साथ यूनिट क्रिएट करना है, जो मैंने यहाँ पर पहले से ही यूनिट क्रिएट कर रखी है उसका यूज़ करूँगा मैं नंबर्स। और ओपनिंग बैलेंस मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 10 norms, उसकी रेट मैंने यूज़ कर ली है 2000, यानी 20,000 का LG TV मेरे पास रखा हुआ है। ये ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस जैसा भी आपको पहले से दे रखा हो उसकी वैल्यू आप यहाँ पर इनपुट कर लीजिएगा। इस तरह से एक और आइटम मैं बना देता हूँ Sony TV, उसको भी TV नंबर्स और इसका भी ओपनिंग बैलेंस 10,000 रेट और 20,000 का यह बैलेंस मैंने यहाँ इनपुट कर लिया है। अब आप देखेंगे अकाउंट्स इन्फो लेजर्स अल्टर, तो आपको साइड में जो विंडो दिखाई दे रही है टोटल ओपनिंग बैलेंसेस, वहाँ पर DR और CR डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस हमें इक्वल दिखाई दे रहा है। बस आपको यही ध्यान देना है डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल रहना चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे ट्रेडिंग के अंदर,
जो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में मिलेगा टैली में। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर वाला जो सेक्शन है वो ट्रेडिंग अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ आप देखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट 22,000। जैसा कि मैंने आपको बताया था एक्सेल में कि हमारा जीपी 22,000 आना चाहिए और एनपी 16,050 आना चाहिए। तो यहाँ आप एनपी भी देख रहे हैं, 16,050 हमें मिल रहा है। ऑल्टर F1 से आप डिटेल भी देख सकते हैं इनकी। और जो बैलेंस शीट की टोटल है वो हमें मिलनी चाहिए 1,68,100 रुपीज़, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अब ओपनिंग बैलेंस का जो डिफरेंस वाला जो मैसेज आ रहा था यहाँ पर वो हमारा क्लियर हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने बैलेंसेस का यूज़ करते हुए सारे लेजर्स क्रिएट कर लिए हैं। और अब आपके पास जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस है वो सारा यहाँ पर आपको सेम दिखाई देना चाहिए। आप उसके लिए 31 मार्च को यूज़ कर सकते हैं, 1 अप्रैल to 31 मार्च। ऑल्टर F2 से पीरियड चेंज कर लीजिएगा और आप देखिएगा 31 मार्च को जब आप देख रहे हो तब आपको सेम पिक्चर दिखाई देनी चाहिए। आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ट्रेडिंग है, बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस है, तो वो सारा कुछ इसी तरह से आप मिलान कर लीजिएगा। आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले होने चाहिए। और फिर उसके बाद आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में काम करना है, तो इन्हीं बैलेंसेस को जो कि यहाँ पर अब क्लोजिंग हो चुके हैं, अब आपको वहाँ पर ओपनिंग मिलेंगे। तो उसके लिए आप देख रहे हैं करंट पीरियड 1 अप्रैल 2018 to 31 मार्च 2019 है, तो यहाँ पर आपको गेटवे ऑफ टैली में खड़े रहना है और करंट फाइनेंशियल ईयर में जाने के लिए इस फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना है। उसके लिए ऑल्टर के साथ F2 प्रेस कीजिएगा चेंज पीरियड पर। कहाँ करना है? गेटवे ऑफ टैली में खड़े रहकर। तो यहाँ पर आप 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020 इस तरह सेट कीजिएगा। तो अब आप देखेंगे कैपिटल में आप एंटर करेंगे तो आपको केवल ओपनिंग बैलेंस ही दिखाई देगा। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ओपनिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है, लेकिन सारा कुछ करंट फाइनेंशियल ईयर में नील दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया कि किस तरह से हम ओपनिंग बैलेंस डालते हुए करंट फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत कर सकते हैं। नई कंपनी बनाकर आप अकाउंटिंग टैली में स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो डेटर और क्रेडिटर्स होते हैं उनके बैलेंसेस को, जो पिछले साल के जो बैलेंसेस थे उन्हें करंट फाइनेंशियल ईयर में हम किस तरह से क्लियर करेंगे, उनको अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट या एडवांस जो बिल एडजस्टमेंट के मेथड हैं उनका यूज़ करते हुए किस तरह से हम उन्हें एडजस्ट करेंगे। यदि प्रीवियस ईयर का कोई बैलेंस इस फाइनेंशियल ईयर में वो हमें पे करता है या हम उसे पे करते हैं तो किस तरह से हमें एडजस्टमेंट करना है वो आने वाले वीडियो में हम सीखने वाले हैं। दोस्तों यदि आप स्टेप बाय स्टेप टैली अकाउंटिंग लर्न करना चाहते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आप स्टेप बाय स्टेप सीखने चाहते हैं, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप प्ले स्टोर से उसे अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करके स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स देख पाएंगे। यदि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।